लखनऊ में कांग्रेस प्रत्याशी आचार्य प्रमोद कृष्णन के समर्थन में बाइक रैली निकली। ये रैली कैसरबाग बारादरी से परिवर्तन चौक आईटी चौराहे तक निकाली गई, जिसमें निषादगंज लेखराज मार्केट भूतनाथ पॉलिटेक्निक मुंशी पुलिया खुर्रमनगर रहीमनगर महानगर निषादगंज से अशोक मार्ग होते हुए गांधी प्रतिमा पर ये रैली समाप्त हुई। रैली में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता बाइक पर सवार दिखे और प्रत्याशी के समर्थन में नारेबाजी करते हुए नजर आए। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव शुक्ला ने रैली को झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। इस दौरान प्रमोद कृष्णन ने कहा कि आज लखनऊ में भाजपा का आखिरी दिन है। भाजपा ने जो धोखा दिया है और जो वादा खिलाफी की है उसके खिलाफ लखनऊ की जनता ने मन बना लिया है और इस बार नफरत हारेगी मोहब्बत जीतेगी। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा के मामले पर प्रमोद कृष्णन का बयान ये था कि शत्रुघ्न सिन्हा कांग्रेस से जुड़े हुए हैं लेकिन वो आरएसएस में है और उन्होंने आरएसएस को नहीं छोड़ा है, इसीलिए उनके ऊपर कोई भी टिप्पणी करना गलत होगा। समझ लो लखनऊ से बीजेपी के खात्मे का आखिरी दिन है, भारतीय जनता पार्टी के खात्मे का दिन है। भारतीय जनता पार्टी ने जो धोखा दिया है देश को, भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा खिलाफी की है देश के साथ, लखनऊ की जनता ने और देश की जनता ने ये मन बना लिया है कि इस बार लखनऊ पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा फहराएगा और भारी मतों से यहाँ पर नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। रुक जाओ। शत्रुघ्न सिन्हा सपा का प्रचार कर रहे हैं, क्या लगता है कि अंदर खाने से पूरी जिंदगी शत्रुघ्न सिन्हा जी का परिवार भाजपा में रहा है। पूरी जिंदगी उन्होंने आरएसएस की सेवा की है। पूरी जिंदगी शत्रुघ्न सिन्हा जी के परिवार ने आरएसएस की सेवा की है। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने कांग्रेस ज्वाइन जरूर करी है लेकिन आरएसएस से इस्तीफा नहीं दिया है। और सुनिए मजेदार बात कि आरएसएस के कैंडिडेट को, आरएसएस के सदस्य को समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया। इससे ज्यादा बड़ा धोखा इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ क्या हो सकता है।